ख्वाहिशों के जश्न को जमाने ने जी भर के देखा। अरे क्या देखा जो अंदर का समंदर नहीं देखा। और जमाना मसरूफ है हर झूठ को हकीकत में बदलने में। और जमाना मसरूफ है हर झूठ को हकीकत में बदलने में। अरे क्या देखा जो हकीकत को हकीकत में नहीं देखा। सभी को नमस्कार, मैं अभय वर्मा और आज आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपनी कविता पर आऊंगा जिसका टाइटल मैंने दिया है हकीकत और पर्दा। तो शुरू करना चाहूंगा कि जानते हो दरअसल तुम जो आंखों से देखते हो वो पर्दा है और जो नहीं देखते वो हकीकत। पर आज हकीकत और पर्दे का हर फर्क यहां पर जिक्र कर दूंगा। पर्दा क्या है, पर्दे की खामियां, पर्दे की सारी गुस्ताखियां यहां पर बयां कर दूंगा। एक ऐसी चिंगारी को मैं छेड़ देना चाहता हूं जिससे हकीकत को खुद पर नाज सा हो जाए। वो पर्दे में जो बात है वो खुद ब खुद बेनकाब सी हो जाए। अब मेरी इस नज्म में झांकोगे तो जानोगे कि किन हालातों में हकीकत ने खुद को ढाल रखा है और किन रिवायतों से जमाने ने हकीकत पर पर्दा डाल रखा है। हकीकत यह है कि धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर हर इंसान को बांट दिया और पर्दा यह कि ऊपर वाले की रिवायत ही ऐसी है इसलिए यह काम किया। हकीकत यह है कि हिंदू और मुसलमान बांट दिया, यहां तक कि हर शख्स और काम तक बांट दिया और पर्दा यह कि हर शख्स के कायदे अलग अलग हैं इसलिए यह नाम दिया। हकीकत यह है कि पूजा के लिए मंदिर और मस्जिद बनवा लिए, अरे हद तो तब हो गई जब धर्म की लड़ाई में लोगों ने सर तक कटवा लिए और पर्दा ये ईश्वर अल्लाह ये सब खतरे में हैं उसके कर्ज अदा करने के वक्त आ लिए। अरे इंसान खुद में ही क्या लाचार है जो धर्म के कानूनों को यूं सख्त रखा है। अब मेरी इस नज्म में झांकोगे तो जानोगे कि किन हालातों में हकीकत ने खुद को ढाल रखा है और किन रिवायतों से जमाने ने हकीकत पर पर्दा डाल रखा है। हकीकत यह है कि राजनीति में नेताओं ने देश की नींव तक को फूंक दिया और पर्दा यह कि देश अभी बदल रहा है इसलिए कुछ हुआ और कुछ चूक गया। हकीकत यह है कि कर्ज माफी के लिए वो हलधर माटी को कोड़ते कोड़ते मर गया और पर्दा ये कि सरकार को किसान की मौत का बहुत खेद है इसलिए कुछ मुआवजा उसके घर गया। हकीकत यह है कि आज भी इस देश में न जाने कितने लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं और पर्दा ये कि सत्ता तो बहुत ईमानदार है इसलिए गरीबी मिटाने के हर बार नए कानून बनाते हैं। अरे देश या कानून क्या खैरात हैं जो उनका ये हाल रखा है। अब मेरी इस नज्म में झांकोगे तो जानोगे कि किन हालातों में हकीकत ने खुद को ढाल रखा है और किन रिवायतों से जमाने ने हकीकत पर पर्दा डाल रखा है। और अब तो मेरी बातें सुनकर शायद हकीकत भी मुझ पर हंस रही है, शायद कुछ कहना चाहती हो लेकिन मन ही मन अपने शब्दों के घूंटों को चुपचाप पी रही होगी। हकीकत क्या है? मेरी नजरों में हकीकत एक इबादत है। चलो छोड़ो अब इन सब बातों को क्योंकि हकीकत को अब पर्दे में ही रहने की आदत है। पर आज हकीकत के अंदर मैं प्रतिशोध की आग जलाने आया हूं, जलों को राख करने आया हूं, झूठों को खाक करने आया हूं। और आज के युवा में कितनी ताकत है मैं उसको बताने आया हूं। मैं क्षितिजों में अपना घर कर लूंगा, चट्टानों को पानी कर दूंगा, मैं राहों को समंदर कर दूंगा, तूफानों को साहिल कर दूंगा, मैं अमन की सारी बातें सुन लूंगा और तुम आते हो तो ठीक, और तुम आते हो तो ठीक, नहीं तो मैं खुद की एक अलग राह बुन लूंगा। मेरा जो फर्ज है मैं उसे निभाने आया हूं। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अब पूरी ना कोई साजिश होगी खुशियों की, अब बारिश होगी, क्योंकि पर्दे के उस रावण को मैं राम बनाने आया हूं। क्योंकि पर्दे के उस रावण को मैं राम बनाने आया हूं। धन्यवाद।